वेलकम बैक। फ्लूइड डायनामिक्स को आगे कंटिन्यू करते हैं और इसमें आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस देखेंगे लाइक कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन, और इसी में हम लोग बर्नौलीज का थ्योरम भी देखने वाले हैं। तो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्लूइड डायनामिक्स में, ये बिल्कुल इसके बेसिक्स में आता है, तो इससे क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल आते हैं, राइट। एक बार आप इसके कुछ रिजल्ट्स वगैरह याद रखोगे और समझ के रखोगे तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो वन बाई वन देख लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे है आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या है? द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, जैसा कि देखो बता दिया गया कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उसी पे ये बेस्ड है। फॉर ए फ्लूड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप एट ऑल द क्रॉस सेक्शंस द क्वांटिटी ऑफ फ्लूड पर सेकेंड इज कॉन्स्टेंट। क्या बोल रहा है कि कोई भी आपका जैसे कोई पाइप है, ठीक है ना, इस तरह का कोई भी पाइप है आपका, तो पाइप कहीं पे नैरो होगा कहीं पे वाइड होगा, ठीक है। तो क्या बोलता है कि जो क्वांटिटी ऑफ फ्लूड है पर सेकेंड, ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ फ्लूड पर सेकेंड किसी भी क्रॉस सेक्शन के लिए, ठीक है, मतलब इस क्रॉस सेक्शन से जितना क्वांटिटी पर सेकेंड पास करेगा, अगर ये नैरो है बिल्कुल पतला है तो यहाँ से भी उतना ही मास पास करेगा, ठीक है, पर सेकेंड। बात फॉलो कर रहे ना? तो क्रॉस सेक्शन पे ये डिपेंड नहीं करता है। सो फॉर ए फ्लूड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप एट ऑल द क्रॉस सेक्शंस द क्वांटिटी ऑफ फ्लूड पर सेकेंड इज कॉन्स्टेंट, राइट, ये रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जितना मास यहाँ से फ्लूड का पास करेगा उतना ही यहाँ से भी करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चूंकि पर सेकंड लगा हुआ है तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, उसके लिए जो हम लोग मास का जो फॉर्मूला लेंगे, चूंकि मास होता है क्या है, अगर मास देखें तो ये होता है आपका डेंसिटी इंटू डेंसिटी होता है, राइट, इंटू होता है वॉल्यूम, ओके, ये होता है। तो अब देखो मान लो डेंसिटी जो है, अगर फ्लूड का डेंसिटी अगर मान लो यहाँ पर रो वन है, यहाँ पे मान लेते हैं रो टू है, ओके, तो एक आपका डेंसिटी रो वन हो जाएगा और वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम होता है हमारा, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम लिखेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लेंगे, ठीक है, मान लो ये ए वन है, ये आपका ए टू है, तो ए वन ले लेंगे और फिर क्या कर देंगे, यहाँ पे ले लेंगे हम लोग इसका वेलोसिटी, अगर मान लो इसका वेलोसिटी वी वन है तो ये वी वन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा। तो अब देखिएगा ना, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पे मीटर और मीटर स्क्वायर और मीटर को मीटर क्यूब कर सकते हैं, तो मीटर क्यूब पर सेकंड, यानी ये वॉल्यूम पर सेकंड हो गया, ठीक है। तो जो हमको लेना है क्वांटिटी ऑफ फ्लूड पर सेकंड, यानी मास पर सेकंड आप कह सकते हो यहाँ पे, तो मास पर सेकंड के लिए क्या होगा, डेंसिटी हो जाएगा इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हमेशा कंजर्व रहेगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सो द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज गिवेन एज रो वन ए वन भी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू भी टू, देख रहे हैं ना। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो सिंपली, क्या कि रो ए भी ये क्या रहता है, ये आपका कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है थ्रू आउट द मोशन ऑफ ए फ्लूड, ठीक है, इन ए पाइप। तो अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रो क्या है, तो आप सब चीज़ देख पाओगे, रो आपका डेंसिटी है, राइट, ये ए क्या है, ये आपका ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट, और V क्या है, तो V है आपका वेलोसिटी, सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आप यहाँ पे देखोगे अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूड है तो हम लोग जानते हैं कि जो अगर इनकम्प्रेसिबल है तो क्या होगा, उसका डेंसिटी चेंज नहीं करेगा, तो रो क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर रो कांस्टेंट है तो फिर आप रो को हटा दीजिए, तो सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे कि A इंटू V ये कांस्टेंट रहेगा, A इंटू V क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी अगर इस पोजीशन पे बात करें डेंसिटी दोनों का सेम है तो A1 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2, अगर यहाँ पे वेलोसिटी V2 है तो, ठीक है ये, और अगर डेंसिटी अलग अलग होता है तो ये, तो इन जनरल इक्वेशन ये हो गया, और इनकम्प्रेसिबल फ्लूड जिस पे के बर्नौलीज थ्योरम भी काम करता है वो ये हो गया, ठीक है। दस एट ए लोकेशन वेयर क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीजेस, तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपको कोई पूछता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर डिक्रीज कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, तो डेफिनेटली वहाँ पे वेलोसिटी जो है फ्लूड का वो इंक्रीज करेगा, बहुत तेजी से निकलेगा, तभी तो उतना ही मास निकाल पाएगा जितना मास यहाँ पे निकाल पा रहा था, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, तो बिल्कुल आसानी के साथ में ये आपको याद रहेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल रिजल्ट बेस्ड रहता है, वो आपको एमसीक्यूज में आता है, तो आप यहाँ से कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फिर देखो बर्नौलीज प्रिंसिपल आ जाता है, ठीक है। क्या बोलता है ये, फॉर ए स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूड आइडियल लिक्विड इन ए वेरिंग क्रॉस सेक्शन, जैसे यहाँ पे देखो क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है, यहाँ पे पतला है तो यहाँ पे मोटा है, दिख पा रहा है, ठीक है। तो अगर वेरिंग क्रॉस सेक्शन है, अलग अलग है, ठीक है, ट्यूब, तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेंस कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द फ्लूड। तो बर्नौलीज का कहना है कि जो टोटल एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या था, वो कंजर्व रहता है थ्रू आउट द मोशन ऑफ ए फ्लूड, राइट। दिस मींस दैट इन स्टडी फ्लो द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी बोल रहा है, यानी क्या हो गया, यानी हो गया सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन ए फ्लूड अलॉन्ग ए स्ट्रीम लाइन इज सेम एट ऑल पॉइंट ऑन दैट स्ट्रीम लाइन, यानी जितना एनर्जी फ्लूड का
इस क्रॉस सेक्शन पे होगा, उतना ही एनर्जी इस क्रॉस सेक्शन पे होगा, ठीक है। थ्रू आउट मोशन में क्या है आपका, ये कंजर्व रहता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिख रहे हैं हम लोग, मान लो ये कि ये मेरा ट्यूब है, ये मेरा H1 हाइट पे है, ये मेरा H2 हाइट पे है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, एक आपका हो गया प्रेशर एनर्जी, ठीक है, प्रेशर एनर्जी ये हम लोग लेंगे यहाँ पे। फिर हम लोग एक क्या लेंगे, दूसरा लेंगे पोटेंशियल एनर्जी, राइट, और तीसरा क्या लेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे आपको जिस दिखेगा दिखेगा P1, ओके ओके अच्छा, पर यूनिट वॉल्यूम ये दिया, ध्यान दीजिएगा। तो पर यूनिट वॉल्यूम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड कर सकते हैं। सो P1 राइट बाई, अब देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को मैं कैसे ले सकता हूँ, अगर मेरे को डेंसिटी पता होगा, मान लो डेंसिटी मेरे को मान लो रो पता है, ठीक है, कि रो जो है डेंसिटी ऑफ फ्लूड है, इनकम्प्रेसिबल है, चूंकि याद रखिएगा बर्नौलीज प्रिंसिपल किसके लिए होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूड के लिए होता है, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूड। अगर कंप्रेसिबल होगा तो आप बर्नौलीज अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो ये वैलिड है किसके लिए, वैलिड फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूड के लिए वैलिड है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपका जो डेंसिटी है फ्लूड का वो कांस्टेंट रहेगा, डेंसिटी, ठीक है, ऑफ फ्लूड या लिक्विड क्या होगा आपका, कांस्टेंट, इज कांस्टेंट, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि चूंकि डेंसिटी आपका कांस्टेंट है, ओके, तो मान लो रो है, ओके, तो रो इंटू जी ये क्या हो जाएगा, तो आप देखोगे तो ये आपका हो गया, जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरा क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, ठीक है। डेंसिटी इज़ वाट, अगर देखोगे तो मास बाई वॉल्यूम होता है, सो वी कॉल इट मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया वेट, ओके, ये क्या हो गया इसका जी, वेट। तो जहाँ हम लोग रो जी लगा देंगे तो ये वेट हो जाएगा, और अगर मैं सिर्फ रो ले लेता हूँ तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम आपको लेना है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, ठीक है, अगर मान लो प्रेशर आपका P1 है तो प्रेशर बाई रो ले लेंगे, ठीक है, रो यहाँ पे आपका डेंसिटी हो गया, तो ये आपका हो गया प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बात समझ में आ रही है ना, ओके, ठीक है। चलो फिर क्या हो जाएगा, फिर हम लोग ये देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी मान लो है आपका रो जी एच ए, मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, फॉर फ्लूड, तो अगेन आप देखोगे, ठीक है, रो जी हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेट, क्योंकि एम जी एच होता है ना, ऐसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच, जो आप जनरली याद करते हो। तो अगर आपको पर यूनिट वॉल्यूम लेना है तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सिंपली एम हटा करके हम लोग क्या ले लेंगे, रो ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमारा हो जाएगा राइट हाफ एम वी स्क्वायर होता है जी, तो हाफ रो वी स्क्वायर ले लेंगे, बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ओके। तो ऐसे काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है कि आपका हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन अगर मैं हाफ रो वी स्क्वायर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। क्योंकि जहाँ यूनिट वॉल्यूम आप कीजिएगा, वी को वन लीजिएगा, तो एम आपका सिंपली क्या है, रो के इक्वल हो जाएगा, राइट ना, क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मैंने P1 थोड़ा सा यहाँ पे मैं ठीक कर लेता हूँ, यहाँ पे सिर्फ P1 लेंगे तो ये हो गया आपका प्रेशर। ये हम लोग जो है ना, ये P1 जो लिए है, ये हम लोग प्रेशर एनर्जी लेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम ही लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट आपका P1, तो यही आपका जो टर्म है, ठीक है, दैट इज़ क्या, कौन सा टर्म बन गया, P1 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये क्या होगा, ये पूरा कांस्टेंट रहेगा, याद रखो क्या रहेगा, ये पूरा मोशन में कांस्टेंट रहता है, एंड दिस इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन, इसी को हम लोग बर्नौली इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको आप बहुत तरीके से लिख सकते हो, जैसे देखो डिफरेंट तरह का हो सकता है, जैसे देखो बर्नौलीज प्रिंसिपल में इसको ऐसे लिखा गया है, तो आप यहाँ पे देखोगे, जैसे ये मान लो, ठीक है ना, अगर हम लोग एक ही लाइन लिखेंगे तो प्रेशर, ठीक है, सिर्फ पी, तो ये आपका अगर कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब ये है कि क्या होगा, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा, P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, इसके बराबर होगा। अगर हम लोग दो पोजीशन का बात करें, यहाँ पे वेलोसिटी मान लो मेरा V1 है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम P1 है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन A1 है, और यहाँ पे ये है, तो इन दोनों के लिए इसका हाइट H1 है, इसका हाइट H2 है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, रो जी H1
यहाँ पे, ठीक है। P1 आपका यहाँ पे प्रेशर ही लिया हुआ है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिया हुआ है, ठीक है। ये रो जी एच वन हो गया, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ रो वी वन स्क्वायर फॉर द वेलोसिटी वी वन। तो इस एंड पे ये आ गया, इस एंड पे देखते हैं तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पी टू है आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका जो हाइट है वो एच टू है, अगर हम लोग इसको रिफरेंस फ्रेम ले लें तो, ठीक है। तो सो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच टू आ जाएगा, और जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा वो आ जाएगा हाफ रो वी टू स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये पूरा सम जो है, ये टोटल एनर्जी यहां पर दोनों कंजर्व रहेगा, सो ये क्या होगा आपका, इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है ना, तो ये अगर इक्वल है तो इसको अब हम लोग बहुत तरीके से लिख सकते हैं। जैसे देखो यहां पे लिखा गया है क्या, तो यहां पे P1 by rho कर दिया गया है, ठीक है। तो P1 by अगर मैं rho कर दूंगा तो rho को जहां मैं कॉमन लूंगा तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। तो बहुत तरह का फॉर्म होगा, सारे ही फॉर्म को आपको समझना है कि सारा एक ही फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसको फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो डिफरेंट बुक में डिफरेंट तरह से लिखा रहता है, कोई इशू नहीं है, बट सिंपल में आप ये जो मेरा था ना, इसको आप याद कर सकते हो कि ये जो पूरा सम है ये कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द फ्लूड। फ्रॉम एफएफ इट इज क्लियर दैट बर्नौली इक्वेशन स्टेट्स दैट समेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर हेड, इसको हम लोग प्रेशर हेड बोलते हैं, ठीक है। फिर काइनेटिक हेड एंड डेटम या पोटेंशियल हेड, ये तीनों का क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, समेशन फॉर ए स्टेडी इनकम्प्रेसिबल, देख रहे हो ना, रोटेशनल एंड नॉन विस्कस फ्लूड। तो नॉन विस्कस होना चाहिए, रोटेशनल होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, तो उस केस में ये आपका पूरा ये रहता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बर्नौली का इक्वेशन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है, ठीक है। तो जो सिंपल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो कंजर्वेशन ऑफ मास पे काम करता है, बर्नौली इक्वेशन आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। ये सब देखो हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली यूज़ करेंगे और काम करेंगे, इसी से MCQs मैं आपको दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको काफ़ी वहाँ से हेल्प हो जाएगा, राइट, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद, तो सो नेक्स्ट हम लोगों का देखो यहाँ पे आ जाएगा बर्नौली इक्वेशन, ओके। देखो बर्नौली इक्वेशन फिर से वही बात है, थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एक सेक्शन लिया गया है, आप देख पा रहे हो एक सेक्शन यहाँ पे लिया गया है ये वाला, और एक सेक्शन यहाँ पे ये, तो वही दो क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे जेड वन हाइट पे है, जेड टू हाइट पे है, ठीक है। ये मान लो मेरा रेफरेंस फ्रेम है, ये मेरा मान लो, हम इसको ले लेते हैं रेफरेंस फ्रेम, इसके ऊपर सारा ही हम लोग कंसिडर करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा गया है, अलग अलग कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। आप देखोगे तो सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी वन प्लस, ठीक है, रो जी जेड वन लिखेंगे इस हाइट के लिए, और प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम हाफ रो भी वन स्क्वायर, ठीक है ना, पर यूनिट वॉल्यूम। अभी तक देखोगे तो यहाँ पे मैं पी टू लिखूंगा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। फिर रो जी जेड टू, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी हो गया, प्लस हाफ रो भी टू स्क्वायर, यहाँ पे हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। अब जैसा हाइट दिया रहेगा वैसा आप करके लिखोगे, वहाँ पे एच था, यहाँ पे जेड है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, कैसे, कि ये आपका पी वन है, सो इट इज़ पी वन। अब देखिए यहाँ पे जो है रो वन, रो और रो, जैसे यहाँ पे रो वन होगा, यहाँ पे रो टू होगा, मान लो डेंसिटी अगर अलग अलग है तो, ठीक है, अगर डेंसिटी अलग अलग है तो, है ना। हालांकि बर्नौली में डेंसिटी एक ही रहता है, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन लिख करके दिखाया गया है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे जो है रो वन, यहाँ पे भी रो वन, यहाँ पे भी रो टू कर देता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं रो वन जी को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो प्लस यहाँ पे बचेगा आपका सिर्फ जेड वन बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा वी वन स्क्वायर बाई टू जी। तो ये हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा पी टू प्लस रू टू जी को कॉमन ले लेंगे, प्लस यहाँ पे जी टू बचेगा, प्लस वी टू स्क्वायर बाई टू जी। तो देखो चीज़ वही है, ठीक है, चीज़ कोई नई नहीं है, एक ही चीज़ को बार बार लिखा गया है। तो आप एक चीज़ याद कर लो, ये वाला जो बेस्ट है रो जी जेड प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये क्या रहता है, ये आपका कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। जहाँ जी जेड आपका हाइट हो गया एबव द रेफरेंस फ्रेम, ठीक है, और ये आपका पी प्रेशर एनर्जी हो गया उस क्रॉस सेक्शन पे, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया, और वी आपका वेलोसिटी हो गया, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, तो यहाँ पे देखो सारे टर्म्स है, तो एक ही चीज़ को यहाँ पे लिखा गया। सो बर्नौली इक्वेशन इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल एंड स्टेट्स दैट इन स्टडी आइडियल फ्लो ऑफ ए इनकम्प्रेसिबल फ्लूड द टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ ए फ्लूड इज कॉन्स्टेंट। तो वही बात है, ठीक है, यानी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो क्या रहता है, ऑलवेज कंजर्व रहता है। तो ये देखो बार बार बातें आ रही हैं यहाँ पे, देखो अभी इस टर्म को ऐसे लिख दिया गया शॉर्ट में, कोई इशू नहीं है, इसको पूरा गामा ले लिया गया है, राइट। तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पी बाई रोजी, जब आप लोगे ना पी बाई रोजी, ठीक है, जो कि यहाँ पर रोजी लिया गया है, तो पी बाई रोजी लेंगे तो रोजी क्या होता है, वेट होता है, तो हो गया प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, ठीक है, ओके। फिर ये वी स्क्वायर बाई टू जी देखोगे तो ये क्या हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट हो गया, ठीक है। ये जेड आपका हो गया क्या, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, ठीक है। तो आप पर यूनिट अगर वेट लिखोगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा, पूरा ये एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। ये जो मैंने आपको लिख के दिखाया है कि पी बाई रोजी प्लस
जेड प्लस भी स्क्वायर बाई टू जी, ये क्या है आपका कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे जितना भी टर्म्स है वो क्या है पर यूनिट वेट है, लेकिन हम लोग जो सिंपल याद रखते हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम याद रखते हैं, और वो क्या होता है वो होता है पी प्लस रो जी जेड राइट प्लस हाफ रो भी स्क्वायर। याद करना इसको देखो ज़्यादा ईजी है, इसलिए ईजी है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपका जो है फेमिलियर है, ठीक है, ये रो जी जेड है, मैं साफ साफ लिख देता हूँ, ठीक है, रो जी जेड, ये पोटेंशियल एनर्जी आप इससे फैमिलियर हो, ये काइनेटिक एनर्जी इससे आप फैमिलियर हो, ये प्रेशर एनर्जी है, तो इन तीनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम लिया गया है, तो पर यूनिट वॉल्यूम ले सकते हैं, पर यूनिट वेट ले सकते हैं, तो इसलिए मैं हर तरह का फॉर्म आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जब क्वेश्चन करना है तो पर यूनिट वेट भी रहेगा तब भी कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्टली यही रिलेशन लिख के कर सकते हो, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम रहेगा तब भी इसी को लिख के कर सकते हो, सब लोग को आपस में कुछ ना कुछ इधर उधर करने से आपको नया नया नाम मिलता रहता है, ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है, आप आसानी से काम कर पाओगे। और शॉर्ट में क्या याद रखेंगे कि ये आपका पी आपका प्रेशर हेड है, फिर आपका ये काइनेटिक एनर्जी हेड है, ये आपका पोटेंशियल हेड है, ठीक है, तो इन तीनों का सम क्या रहता है ऑलवेज कंजर्व रहता है। सो बर्नौली इक्वेशन इज ऑब्टेंड बाय इंटीग्रेटिंग आयलर इक्वेशन, तो याद रखिएगा कि ये जो आता है ना बर्नौलीज का इक्वेशन, ये आयलर्स इक्वेशन से आता है। ये भी कभी कभार पूछा जाता है कि बर्नौलीज इक्वेशन कहाँ से आता है, तो हम लोग जानते हैं आयलर्स का इक्वेशन है, ठीक है, फ्लूड में, तो उसी को इंटीग्रेट करने से बर्नौलीज का इक्वेशन आता है, ठीक है। इन्वॉल्व्स द अजम्पशन दैट वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट एंड दैट फॉलो कंडीशन डू नॉट चेंज विद द टाइम एट एनी पॉइंट, राइट, ये आपका हो गया बर्नौली इक्वेशन बारे में, राइट। अब यहाँ पे देखो जैसे यही हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है आयलर्स का इक्वेशन का, तो इसको आप इंटीग्रेट करते हो तो देखो ये आ जाता है, यहाँ पे बात करके आपको दिखा दे रहा है कि कैसे आप बर्नौली इक्वेशन को आप लाते हो। तो खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही हमारे लिए कि बर्नौली इक्वेशन जो है फाइनली ये कहता है कि प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये रहता है ऑलवेज कांस्टेंट, एंड इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्टली क्वेश्चन इसी से बनेगा, इसी रिजल्ट से बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है, कभी भी इसको भूलना नहीं है, ठीक है। ये पूरा देखो एक छोटा सा टॉपिक था, इससे एमसीक्यूज आते हैं तो उसको हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए बढ़िया से। अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो, लाइक आप मैथमेटिकल फिजिक्स करना चाहते हो, झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या आप सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहिए। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे एप्लीकेशन में काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से मैंने पीडीएफ भी दे करके सब कुछ समझाया हुआ है, कंटेंट और लॉट ऑफ एमसीक्यूज हैं, तो आप वहाँ से तैयारी अच्छी कर सकते हो। इस तरह का जो सिंपल टॉपिक है जहाँ से बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आता है, वो आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।